हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मंजोत्रा और आज हम एक मार्केटिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को, आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज दोस्तों जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट को बाय करते हैं, एकदम से बाय नहीं करते हैं, ठीक है, तो बाय नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? कोई बड़ा प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पेन या पेंसिल की बात नहीं कर रहा। अगर हम कोई घर में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय करते हो अपने घर के लिए या अपने यूज़ के लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो आप क्या करते हो, कुछ स्टेजेस में से निकल के जाते हो। ठीक है, आप मुझे बताना कि वाकई आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया और वाकई इन स्टेजेस को पार किया, या इन स्टेजेस कभी आप, जब भी आप प्रोडक्ट को बाय करते हो तो क्या इन स्टेजेस में से गुजर के जाते हो? जब आप पूरा लेक्चर सुनोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना कि यस, हम इन स्टेजेस को, जो आपने कहा है उन स्टेजेस को हम पार करके ही अपने प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो क्या है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हम आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। जैसे अभी मैंने कहा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो बाय करने से पहले हम कुछ स्टेप्स में से गुजर के जाते हैं, और वो स्टेप्स हमारे ये हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इज नीड रिकॉग्निशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, एंड लास्ट वन इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब जब भी कोई चीज बाय करेंगे तो क्यों बाय करेंगे, हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय क्यों करते हैं? हम तभी बाय करेंगे जब उसकी नीड होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड्स देन यू विल सर्च अबाउट द प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर आपको नीड रिकॉग्नाइज होगी, अगर नीड रिकॉग्नाइज होगी तो उस नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे किसी के जरिए, मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी नीड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, न्यू नीड भी हो सकती है या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। मैंने अभी कहा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, नई नीड भी हो सकती है, मुझे नई नीड क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं कहूं कि क्लास में कोई स्टूडेंट था, ठीक है, वो बहुत दूर से आता था। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी हम कहते थे जैसे ये कोरोना वायरस चल रहा है जी अभी, ठीक है, तो सपोज मान लो ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी बंद हो जाए, तो फिर कॉलेजेस खुल जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स खुल जाते हैं, आप वहाँ पे जाना चाहते हो या आपके ऑफिस खुल जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब नीड रिकॉग्नाइज हुई है, नीड रिकॉग्नाइज क्या हुई यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, अब क्या करूँ, अब नीड रिकॉग्नाइज हुई या कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यार अब मैंने ऑफिस भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो अब मैं क्या बाय करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं है, जाना भी जरूरी है, तो फिर नीड रिकॉग्नाइज हुई, यस आई हैव टू बाय सम व्हीकल, मैं किसी व्हीकल को क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जिससे कि मैं अपने ऑफिस जा सकूं। ठीक है, इस तरीके की नीड्स आपकी जनरेट होती हैं। देखो ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हमने कहा नहीं यार, रोज और रोज कैसे जाऊंगा मैं, या किसी के साथ में जाता था। ठीक है, पर इससे अच्छा है अगर ये 4-5 महीने 6 महीने साल रहता है, इस तरह से रहता है, तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं अपना ऑन व्हीकल ही बाय करूं। ठीक है, तो नीड रिकॉग्नाइज हुई या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुई, जिससे कि हमें उसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, तभी हमने उस प्रोडक्ट को बाय किया। जब तक चल रहा था तब तक ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, नीड एग्जिस्ट हुई, तो हमने क्या कहा, हमने सोचना शुरू किया, हाँ यार हम इस, मैं मुझे इस प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं क्या बाय करता हूं, सपोज हम कह सकते हैं फोर व्हीलर बाय करते हैं। अब
ठीक है, नीड रिकॉग्नाइज होगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या जरूरत है इस टाइम पे, मुझे लॉकडाउन के दौरान क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना है, मुझे फोर व्हीलर की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, अपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्च। अब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बाय करना है, पैसे खर्चने, ठीक है। अगर मैं पैसे पे करूंगा तो मुझे, मैं ऐसा प्रोडक्ट बाय करूंगा जो मेरी नीड्स को फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अब मेरे लिए इंफॉर्मेशन सर्च में कुछ इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में जैसे मेरे कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा यार मेरे फ्रेंड ने ये वाली गाड़ी ली थी, इस ब्रांड की गाड़ी ली थी, तो ये अच्छा है, ठीक है। मेरे मेरे फ्रेंड ने मारुति 800 ली थी, मारुति आल्टो ली थी, वो अच्छी रही, तो वो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़, ऐसा प्रोडक्ट सही है। वो कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होंगे? एक्सटर्नल सोर्सेज आपके आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, ठीक है, काफी सारे लोग हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स, रिटेलर्स। इन सभी से आप क्या करोगे यार, जैसे अभी तो लेटेस्ट चल रहा है कि यूट्यूब पे आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है। आपके रिटेल शॉप पे जाके डीलर्स के डीलर से पूछ सकते हो, एक्सपर्ट्स से सुन सकते हो, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे क्या आपके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हो, ठीक है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ गई, नीड रिकॉग्नाइज होगी, नीड रिकॉग्नाइज होने के बाद आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर, ठीक है। मैंने सभी से पूछा, मैंने फ्रेंड से पूछा, ठीक है, सभी ने कहा ये ब्रांड्स आप बाय कर सकते हो, ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा, या मैंने खुद अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब अगर मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स भी आए होंगे, ठीक है। मेरे पास शायद, सपोज मैं कहूंगा मेरे पास कितने सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, सपोज जैसे मैं कहूं मेरे पास अल्टरनेटिव्स आ जाए, मैंने कहा मारुति, मेरे पास अल्टरनेटिव था हुंडई, मेरे पास अल्टरनेटिव था फोर्ड, मेरे पास अल्टरनेटिव था टाटा। जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बाद मेरे पास के आगे सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब मैं मर्सिडीज या हम कह सकते हैं बीएमडब्ल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैंने देखा कि मेरी पेइंग कैपेसिटी कितनी है ना। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो वो इन ब्रांड्स को प्रेफर करेगा। उसके पास ये थे हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसमें उसने क्या किया, इन ब्रांड्स को जो अल्टरनेटिव्स थे उनको सिलेक्ट किया, उनको क्या किया, सिलेक्ट किया, ब्रांड सिलेक्शन। इसमें क्या आती है, दैट इज ब्रांड सिलेक्शन। इसमें क्या आएगी, ब्रांड सिलेक्शन, ठीक है। और भी कारण क्या हो सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ब्रांड्स क्या हैं, कौन से हैं? अब मेरे आसपास ब्रांड्स भी तो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मैं तभी सिलेक्ट करूंगा, उन ब्रांड्स को ही सिलेक्ट कर रहा हूं। एक तो ब्रांड सिलेक्ट किए और मैंने सोचा यार कौन से ब्रांड्स, जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं, जो अवेलेबल ब्रांड्स, जो अवेलेबल ब्रांड्स ही नहीं होंगे उनके बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। ये जो मैंने सिलेक्शन की, बेनिफिट्स के बेसिस पे की होगी, ठीक है। उनके बेनिफिट्स क्या हैं, प्राइस के बेसिस पे मैंने इन चार ब्रांड्स को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया था मेरे पास जिससे कि मैंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स को मैंने उठा लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ब्रांड सिलेक्ट कर लिए, अवेलेबल जो भी ब्रांड थे सिलेक्ट, मारुति, हुंडई, फोर्ड, टाटा। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, जो मेरे लिए सूटेबल फीचर्स है, जो मुझे चाहिए थे, जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। मैं कहता था कि मेरे लिए माइलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं रोज का 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाता हूँ, ट्रैवल करूंगा, तो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या होगा, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेगा बंदा तो वो कहेगा माइलेज, माइलेज सही होनी चाहिए। अब उसमें भी वो प्रेफर करेगा कि मेरे लिए डीजल डीजल कार होनी चाहिए, या मैं कह सकता हूँ पेट्रोल पेट्रोल इंजन होना चाहिए। तो जो भी उसके सूटेबल उसको लगेगा, तो वो उसको उन अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करेगा, इन ब्रांड्स को सिलेक्ट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ठीक है। ये अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये ब्रांड्स प्रोडक्ट अवेलेबल
करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी, कहां तक, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हमारे पास ब्रांड हमने सिलेक्ट कर लिए, अब उन ब्रांड्स को भी मैं क्या करूंगा, जो मैंने ब्रांड सिलेक्ट किए हैं उनको मैं इवेल्युएट करूंगा, उनको मैं क्या कर सकता हूं, इवेल्युएट। इसको मिटा देता हूं। अब जैसे मेरे पास सिलेक्ट हो गए ब्रांड, सिलेक्ट हो गए उसे मैं, उन्हें मैंने क्या किया, इवेल्युएट किया। इवेल्युएट उसके, इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास हमारे फ्रेंड्स हैं या कुछ किसी मेरे फ्रेंड के पास, अगर मैंने इसमें से सिलेक्ट करके जो चार ब्रांड्स थे उनको मैंने इवेल्युएट किया, ठीक है, मैंने मारुति 800 भी थी मेरे फ्रेंड के पास, हुंडई की इऑन थी, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ फोर्ड की फिगो थी, और कह सकते हैं टाटा की टियागो, ये कुछ मेरे लिए अल्टरनेटिव्स थे, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने कहा कि चलो, हालांकि ये थोड़े अलग है, फिगो टियागो और मारुति 800 दोनों, 800 आल्टो जो है ये अलग है, अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, पर फिर भी सोचा कि चलो यार इनमें से अगर मैं थोड़े से पैसे डालूंगा तो ये भी मैं बाय कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, उन्हें उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट किया, अच्छे से इवेल्यूएट किया। कैसे किया, मैं डीलर शॉप पे, वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने खुद टेस्ट ड्राइव ली। अब मेरे फ्रेंड के पास वो गाड़ी थी, मैंने फ्रेंड्स के जो जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनके पास जो गाड़ी थी मैंने खुद चला के देखी, उनके फीचर्स पूछे, उनका एक्सपीरियंस पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें से थोड़ा सा पैसा और डालता हूँ, ये दो गाड़ी आ जाती हैं, ये वाली फिगो और टियागो, क्या ये मेरे लिए बेहतर रहेंगी, ठीक है। सारा कुछ इवेल्यूएट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कोई एक प्रोडक्ट को क्या किया, डिसाइड किया कि आई हैव टू बाय टियागो। ये वैसे बता रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा मैं वैसे जनरल सी बात कह रहा हूँ, कि दिमाग में क्या आया, चलो ठीक है हम क्या बाय कर देते हैं, टियागो को बाय कर देते हैं, क्योंकि अभी टाटा थोड़ा सा टाटा ने क्या किया है, अपने ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट में काफ़ी सारे इनोवेटिव फीचर्स लेके आई है, और आफ्टर से सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, जैसे जब से उनकी टाटा नेक्सॉन, टाटा टियागो या टाटा टिगोर वगैरह जो गाड़ियाँ आई हैं, हैरियर वगैरह आई हैं, उससे टाटा ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप में चेंज लाया। तो डिसाइड हुआ चलो कि टाटा टियागो को बाय कर देते हैं, दैट इज़ द परचेज डिसीजन। पहले अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए, उसके बाद उनको इवेल्यूएट किया, इवेल्यूएट करने के बाद क्या किया, फाइनल मेरा परचेज डिसीजन था कि मैं चलो टियागो को बाय कर लेता हूं डीजल इंजन में। अब नेक्स्ट, पोस्ट परचेज बिहेवियर, बाय करने के बाद आपका बिहेवियर, आपका फीडबैक, आपका रेस्पॉन्स। अब दो चीजें हो सकती हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर में, दो चीजें हो सकती हैं whether you are satisfied or you are not satisfied with the product. अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, अगर तो आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप सेटिस्फाइड हो तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बज क्रिएट करोगे, या हम कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो होगी वो क्या करोगे, आप पॉजिटिवली उस प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे, इफ द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोडक्ट से, तो फिर वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को कोशिश करेगा कि हाँ अब इस प्रोडक्ट को कुछ देर बाद मैं उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर दूं, उसको ना यूज करूं, बेच दूं या रीसेल कर दूं या कुछ भी करूं, ठीक है। वो कब होगा, जब वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर वो इस तरीके से करेगा तो दोबारा फिर उसको क्या करना पड़ेगा, नीड रिकॉग्निशन होगी, फिर वही स्टेप उसको वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक जनरल से आपको एग्जांपल दी, कहानी बता दी कि हाँ जब हम, अब यहाँ पे क्या था, नीड रिकॉग्निशन हुई थी कि चलो मेरे लिए एक व्हीकल सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, तो मेरे लिए एक कार को बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की करने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव आ गए, उनको सेलेक्ट किया, उन अल्टरनेटिव्स को भी मैंने क्या किया, बाद में अच्छे से इवेल्यूएट किया कि मेरे पॉकेट के हिसाब से, मेरी आसपास अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मेरे लिए सबसे सूटेबल माइलेज के हिसाब से, मेरे लिए सबसे सूटेबल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो जो भी प्रोडक्ट निकला उसको मैंने बाय किया, बाय करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, पोस्ट परचेज बिहेवियर मतलब आपका एक्सपीरियंस आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट। दो चीज़ें हो सकती हैं, वेदर द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। अगर तो सेटिस्फाई है, ठीक है,
देन ही विल क्रिएट द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इन द मार्केट. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट को वो डिस्पोज ऑफ करेगा, उस प्रोडक्ट को वो यूज तो करेगा पर कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं कि उस प्रोडक्ट से छुटकारा पाया जाए. ठीक है, तो फिर दोबारा उसकी कोशिश रहेगी साल दो साल तीन साल बाद एक यही स्टेप्स में से गुजर के जाएगा, नीड रिकॉग्निशन होगी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, बाद में फिर यहाँ तक आएगा. तब तक करता रहता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए. ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस. तो आप मुझे बताना कि वाकई जो भी आप घर में प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, चाहे कोई मोबाइल हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कोई बाइक हो, चाहे कुछ भी आप अपने घर के लिए जो बाय कर रहे हो, तो क्या इन स्टेप्स में से गुजर के जाते हो? अगर जाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना. ठीक है, तो ये था हमारा आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मार्केटिंग का. तो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.